नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ई रूपी प्रीपेड वाउचर जो है उसका लोकार्पण किया गया, मतलब लोग अब ई रूपी प्रीपेड वाउचर पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा अनाउंसमेंट किया। इस बारे में डिटेल में जानकारी दी गई, पीआईबी इंडिया करके ट्विटर हैंडल है, वहां पे उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है और वीडियो के तहत उन्होंने जानकारी दी है कि ई रूपी प्रीपेड वाउचर का उन्होंने लोकार्पण किया है। अब होता क्या है ये ई रूपी प्रीपेड वाउचर, मतलब ऐसा सिस्टम है कि मान लो कि आपको किसी चीज की मदद लग रही है, मतलब आप बीमार हो और आप एनजीओ से हेल्प लेना चाहते हो, एनजीओ से आप अगर मदद लेना चाहते हो तो एनजीओ आपको अगर कैश देता है, पैसे देता है, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है, तो फिर आप किसी और काम के लिए उसको यूज कर सकते हो। तो उसके जगह एनजीओ क्या करेगा, आपको प्रीपेड वाउचर देगा, मतलब आपको मोबाइल पे या तो एसएमएस आएगा या तो क्यूआर कोड आएगा, वो वाउचर आपको मोबाइल पे आएगा, वो वाउचर लेके आप जो भी सेवा लेना चाहते हो, हॉस्पिटल, मेडिकल, जो भी आपको सेवा लेना चाहते हो, वेलफेयर सेवा लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल या फिर मेडिकल स्टोर में जाओगे और उधर आप अपना वाउचर जो है, जो आपको मोबाइल पे आया है, उसके थ्रू आप पेमेंट करोगे। इसका फायदा यह होगा कि आपको जिस जरूरत के लिए मदद मिली है उसी जरूरत के लिए आपका इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सरकार जो है, सरकार के अलग अलग ऑफिसेज जो है वो बैंकों के साथ मिलके ई रूपी के वाउचर जनरेट करने वाली है और जिनको मदद करना चाहते हैं उनको ई रूपी के माध्यम से वो ई वाउचर भेजा करेंगे मोबाइल पे। फिर जिनको भी मदद लेनी है, जो भी देश के नागरिक है जो मदद लेना चाहते, वो तरह तरह की सेवा ले सकते हैं। जैसे कोई किसान है जिसको फर्टिलाइजर लग रहा है, या फिर कोई ड्रग्स है, या फिर कोई टीबी का रिलेटेड कोई मरीज है, उनको अगर कुछ प्रोग्राम में उनको अगर मदद लेनी है तो उनको सरकार वाउचर भेजेगी और आप वाउचर लेके आप जाओगे पर्टिकुलर सेंटर्स पे और वहां से आप ई वाउचर से पेमेंट करोगे और अपनी सेवा लेने वाले हो। इससे फायदा क्या होगा कि ये लीकेज प्रूफ है, क्योंकि आपको जिस काम के लिए दिए गए पैसे है आप उसी काम के लिए इस्तेमाल करोगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी जहां से आपने सर्विस ली है उनसे कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने आपको एक बार वाउचर दिया तो आप अलग अलग सेंटर्स पे जाके मदद ले सकते हो, गवर्नमेंट कंफर्मेशन नहीं लेगी कि क्या आपने इसको कौन सी सेवा दी है, क्या सेवा दी है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसी के कारण ई रूपी सेवा जो है इसको वेलकम माना जा रहा है। ये ई रूपी सेवा जो है गवर्नमेंट ने अपने वीडियो में जैसे बोला है कि ये किसी हर व्यक्ति को और उनकी उद्देश्य विशिष्ट मिलने वाली है, मतलब जिस उद्देश्य के लिए आपको ई रूपी का वाउचर दिया गया है उसी उद्देश्य के लिए आप उसको इस्तेमाल करने वाले हो। आपके अकाउंट में जो बैंकों के साथ गवर्नमेंट या फिर जो भी एनजीओ है वो बैंकों के साथ मिलके ई वाउचर जनरेट करने वाले है और अकॉर्डिंगली लाभार्थी जो है उनको ई वाउचर देने वाले है। फिर लाभार्थी जैसे वीडियो में दिख रहा है फार्मेसी में गए और वहां पे उन्होंने अपना वेरिफिकेशन कोड दिखाया, फिर उन्होंने स्कैन किया ई वाउचर और उनको बाद में कंफर्मेशन के लिए और एक कोड आया और वो और एक कोड आने के बाद उनका पेमेंट हो जाता है। जिस पर्पज के लिए उनको मदद मिली है वही पर्पज के लिए वो मदद ले सकते हैं। तो ये फायदा है ई रूपी का। इसमें आपको ना कार्ड यूज करना पड़ता है, ना डेबिट कार्ड आपको यूज करना है, कोई भी आपको और ऐप यूज नहीं करना है, ई वाउचर के थ्रू आपके पेमेंट होने वाले है। इससे आपकी जो पर्सनल जानकारी है वो गोपनीय रहने वाली है, आपकी कौन सी तकलीफ है वो किसी को नहीं पता चलने वाली है। जिनको देना है मदद उनको गवर्नमेंट या फिर जो भी कॉर्पोरेट से जो अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मदद करना चाहते हैं वो भी कर पाएंगे, जिनको जो मदद करना चाहते हैं वो मदद कर पाएंगे। ई वाउचर के माध्यम से वो लोगों को SMS करेंगे या फिर QR कोड भेजेंगे, वहां से वो लोग पेमेंट करके अपनी सेवाएं ले सकते हैं, जिस चीज की उनको जरूरत है वो सेवाएं वो ले सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया है। तो ई वाउचर जो है, जो ई रूपी कॉन्सेप्ट जो है, ये गवर्नमेंट ने डेवलप किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम जानते हैं NPCI। ये उन्होंने UPI प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने ये बनाया है, जैसे भीम के कनेक्टेड ये बनाया गया वाउचर का सिस्टम है और इसमें उन्होंने अलग अलग बैंकों की हेल्प ली है, साथ ही साथ फिनेंशियल सर्विसेज वाले डिपार्टमेंट की हेल्प ली है, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इनकी मदद से इन्होंने वाउचर बनाए हुए हैं।
तो जो जो भी सरकारी ऑफिसर्स रहेंगे, सरकार के ऑफिसर्स रहेंगे, वो ई वाउचर जनरेट करेंगे, आपको मोबाइल पे एसएमएस करेंगे, तो फिर आपने जो सेवा के लिए आप गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो सेवा ही आप ले सकते हो। तो आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ई रूपी, इस बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।